Assalamualaikum, वेलकम टू देसी खाना। आज हम बना रहे हैं स्टू। आज मटन का स्टू बना रहे हैं। आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। मेरे पास 1 किलो फ्रोजन मटन पड़ा हुआ है और इसमें ना प्याज ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 1 किलो गोश्त होगा तो प्याज आप आधे किलो डालेंगे, और ये मेरे पास 4 अदद प्याज थे, तकरीबन आधा किलो जितनी है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें भर के 2 खाने के चम्मच जाएंगे। इसमें प्याज लहसुन दोनों की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है। और इसमें हम सिरका डालेंगे। वैसे तो मैं अपने खानों में बरकत के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरका डालती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में सिरका लाजमी है। और हमें इसके लिए दही चाहिए होगा। दही मेरे पास होगा तकरीबन 1 कप के जितना होगा। और इसमें जो ड्राई मसाले डालने हैं, ये है मेरे पास दालचीनी की स्टिक है, और मेरे पास बादियान का फूल है, कि जायफल जवैत्री है, और ये मेरे पास भड़ी इलायची है 2 अदद, 4 अदद मेरे पास लौंग है, और 4 से 5 अदद ये मेरे पास काली मिर्चें हैं। और ये सारा गर्म मसाला है मेरे पास। और ये मेरे पास है हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, ये रेड चिली जो क्रश हमारे पास है ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच है, गरम मसाला मेरे पास 1/2 चाय का चम्मच है। अच्छा, इसमें क्रश चिली भी डलती है और पाउडर फॉर्म में भी डलता है, इसलिए पाउडर फॉर्म मैंने 1/2 चाय का चम्मच लिया है और क्रश चिली मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे, साथ ही प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारे मसाले जोन से हैं ये डालूंगी। और सिर्फ मैं रिगे नहीं डालूंगी, रेड चिली जो हमारे पास है क्रश रिगे नहीं डालूंगी, बाकी अपने सारे जितने भी होंगे सारे मसाले डालूंगी। ये एक प्याला है मेरे पास पानी का मीडियम साइज का, ये तकरीबन 1.5 ग्लास होगा, ये मैं डालूंगी और गोश्त गलने के लिए रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कुकर खोल लिया मैंने और गोश्त अच्छे से गल गया है, देखिए कितना अच्छा गल गया है। अब इस दौरान जब हमारा भूनने का टाइम आएगा मैं दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करके मिक्स करूंगी, फिर सिरका ऐड करूंगी, क्योंकि अगर इस टाइम में अगर सिरका ऐड करूंगी तो दही को वो फाड़ देगा। अब सिरका ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच, और अब इस टाइम में घी ऐड करूंगी। घी मैंने 3 खाने के चम्मच डाले हैं। अब मैंने अच्छी तरह भूनूंगी, खूब अच्छे से भूनूंगी मैं। इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है, घी हमारा ऊपर खा गया है, देखिए अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा डलता है, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इस वक्त जो हमारी क्रश डाल चिलीज थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हल्का सा मैं इसको भूनूंगी और फिर मैं अपनी डिश को सर्व कर दूंगी। डिश ये हमारी तैयार हो गई है, इसको आप ट्राई करना। इसको नान के साथ खाया जाता है, आप इसको गरम गरम नान के साथ खाइएगा, या ये रोगनी नान के साथ खाया जाता है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगे। ये बहुत मज़े की डिश है, और अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और सबका ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।